ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਟੇਡੀਅਮ ਵਿਖੇ 25 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੇ 11ਵੇਂ ਹੀਰੋ ਆਈ ਲੀਗ ਫੁੱਟਬਾਲ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਬਾਰੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਟੀਮਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਮੈਂਬਰਾਂ ਅਤੇ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਬੇਸ਼ੱਕ ਫੁੱਟਬਾਲ ਖੇਡ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਫੁੱਲਿਤ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਪਰ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇਸ ਖੇਡ ਵੱਲ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦੀ ਵੱਧ ਰਹੀ ਰੁਚੀ ਨਾਲ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਫੁੱਟਬਾਲ ਖਿਡਾਰੀ ਵਿਸ਼ਵ ਵਿਚ ਨਾਮ ਰੌਸ਼ਨ ਕਰਨਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਸਿਆ ਕਿ ਲੀਗ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਮੈਚ ਮਿਨਰਵਾ ਪੰਜਾਬ ਐਫ ਸੀ ਤੇ ਮੋਹਨ ਬਗਾਨ ਵਿਚਕਾਰ ਸ਼ਾਮ 5:30 ਵਜੇ ਖੇਡਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। Last year, we were in the heavy matches, so we struggled with the, all the teams in spite of winning the Minerva match also, but they played well. So this year also, this is our first match in the game, and we start by winning and gaining 3 points. अच्छा होगा क्योंकि हम सभी जानते हैं मोहन बगान एक अच्छी टीम है। इतना कम क्यों है फुटबॉल क्रेज, क्या कारण है? इंडिया में नहीं है इतना, मतलब कम नहीं है। अभी स्लोली अगर आप वर्ल्ड कप भी देखो और आईएसएल भी देखो, इवन अगर आप अभी आई लीग भी देखो, तो स्लोली स्लोली अभी काफी इम्प्रूवमेंट आ रही है। तो मेरे ख्याल से आने वाले 4-5 साल में बहुत ज्यादा इम्प्रूवमेंट है। कैपेसिटी है आप लोग का, प्लेयर अच्छे? कैपेसिटी तो है, ऐसा नहीं बोल सकते कि कैपेसिटी नहीं है या टैलेंट नहीं है। मतलब टैलेंट नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। मतलब शायद आने वाले, ये अभी वर्ल्ड कप हुआ है तो ये है अभी और भी अच्छे। मतलब अब अगर आप रिसेंटली रिजल्ट भी देखो इंडियन टीम का, नेशनल टीम का, तो मतलब लास्ट 1 साल से काफी अच्छा है। तो मतलब 3-4 साल आने वाले आई थिंक अच्छा है, क्योंकि अभी एशिया कप में भी क्वालिफाई किया है। लुधियाना तो गुरमीत निज्जर की रिपोर्ट, कैमरामैन विकास के नाल, फॉक्स.पंजाबी, यूर सिटी, यूर न्यूज़।